श्रीराम दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू हमारी GT 650 का। तो जो ये कॉन्टिनेंटल GT 650 है, इसके बारे में हम आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि आपके 2024 में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आप टाइटल थंबनेल देख के वीडियो आए तो आप एकदम सही वीडियो पे आए। स्पेसिफिकेशंस मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप इससे पहले ऑलरेडी आपने बहुत सारे वीडियो चेक कर लिए होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये वर्थ इट है या नहीं है इन 2024। हमारी जो नई GT 650 आई है उसमें बस चेंज ये आया है कि उसमें हमारा जो ये स्विच वाले बटन वाला जो पार्ट है वो नया आया है, इंजन ब्लैक हो गया है एंड अलॉय व्हील्स आए हैं। तो वो चीज़ें मैं इसमें डिस्कस नहीं करने वाला। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे ओनरशिप रिव्यू की कि हमने इस बाइक को अराउंड 10,000 किलोमीटर प्लस चला दिया है और हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है वो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर आप इस वीडियो में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो GT 650 जिस सेगमेंट की बाइक है ना, वो इकलौती ऐसी बाइक है जो कैफे रेसर कैटेगरी में इतने कम प्राइस पॉइंट में आती है। अदरवाइज अगर आप ट्रायम्फ पे जाओगे तो उसकी बाइक हमें बहुत ज़्यादा महंगी देखने को मिलती है, 8 से 10 लाख के बीच, और ये जो हमें मिलती है वो 5 लाख के अंदर अंदर देखने को मिलती है। बट आप इसकी अगर बिल्ड क्वालिटी देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइक है। आप भी जो अपनी फेयरिंग बाइक होती है उसमें प्लास्टिक आता है, सबको पता है, बाकी ये जो है पूरी मेटल रहती है। अब जैसे ये इसकी अच्छाई है तो इसकी बुराई भी है, क्योंकि मेटल होने की वजह से एंड इसका इंजन इतना हैवी होने की वजह से बहुत ज़्यादा भारी बाइक है। इसको थोड़ा सा हैंडलिंग करना मुश्किल होता है। अगर आप शॉर्ट हाइटेड हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस बाइक को चलाने में, बट मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट एंड 9 इंचेस। मैंने आपको मैं एक बार बैठ के दिखा देता हूँ कि मेरे पैर कैसे आते हैं इस बाइक पर। तो अगर आप देखोगे तो गाइस मेरे पूरे पैर आ रहे हैं, पैर भी पूरे टच हो रहे हैं फ्लोर को, तो हम इसको इजीली राइड कर सकते हैं। बट अगर आप 5.5 फीट के या उससे कम हाइट आपकी रहती है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसका वेट ही बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, एक बार चलने के बाद आपको हल्की रहेगी, बट आप जब इसको टर्न करोगे, पीछे लोगे या आगे ऐसे मूव करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। टर्निंग रेडियस जो है वो इसका ज़्यादा है। अगर आप इसको यू टर्न देते हो तो आपको पूरा एक लंबा टर्निंग रेडियस देखने को मिलेगा इस बाइक का, तो वो भी एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। हैंडलिंग इसका थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है एंड स्टार्टिंग में राइडिंग पॉस्चर में प्रॉब्लम भी हो सकती है आपको, बिकॉज वो कम्फर्टेबल नहीं रहेगा। बट अगर आप डे बाई डे इसके हैबिचुअल हो जाते हो तो आपको चलाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसके इंजन परफॉर्मेंस की। अभी तक मैंने इसको इतना राइड कर लिया है बट मुझे इसके पावर में कभी लैग फील नहीं हुआ है, और कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी बीच में इंजन में, तो मैंने एक बार सर्विस सेंटर जाके चेक करवाया तो उन्होंने इंजन किट इसकी चेंज की थी। बाकी पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका इंजन जो है बहुत रिफाइन है, बहुत ज़्यादा कोई वाइब्रेशन फील नहीं होती है आपको। आप अगर देखते होंगे कि यार रॉयल इनफील्ड की बाइक जो है वो वाइब्रेट करती है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है अगर आप हाई स्पीड जाते हो। मैंने खुद ने इसको अभी तक 150 चलाया बट मुझे कोई वाइब्रेशन फील नहीं होता। हाई स्पीड जाने पर थोड़ी प्रॉब्लम जो फेस होती है वो आपको हैंडल से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो थोड़ा सा शेक करने लगता है। ठीक है, ऐसा आपको इसमें प्रॉब्लम फेस हो सकता है। तो चलो अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसके ऑडोमीटर की। तो गाइज़ अभी जैसे मैं दिखा सकता हूँ आपको कि अभी तक मैंने इस बाइक को, आप इसमें देखोगे रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे दिखेगा आपको 10,630 किलोमीटर्स ये बाइक चल चुकी है। जैसे आपने ऑडोमीटर में देखा ना, वो सच नहीं है। मेरी बाइक जो है अराउंड 12,000 किलोमीटर चल चुकी है। अब उसके पीछे का रीज़न मैं बता देता हूँ कि किस वजह से ये इसमें एरर है। तो विंटर्स के टाइम इसका ऑडोमीटर सेंसर का जो वायर है ना वो टूट गया था। वो टूटा क्यों था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब विंटर्स में जो वायर है वो एकदम टाइट हो जाता है, और अगर आप इसको ऑफ रोड लेके जा रहे हो या इसके सस्पेंशन ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं ना, तो वो वायर में कट आ गया था, ब्रेक हो गया था वो, उस वजह से मेरा ऑडोमीटर पूरा काम करना बंद कर दिया था, स्पीडोमीटर भी उसके साथ काम करना बंद कर दिया था। तो उस वजह से इसकी जो रीडिंग है वो प्रॉपर नहीं है, उसमें एरर आ गया था। अभी इसमें दिखा रहा है 10,000 किलोमीटर्स बट ये चल चुकी है हमारी 12,000 किलोमीटर्स, तो ये एरर रहा है। ये भी मैंने फेस किया है, इसको भी मैंने अलग से ठीक करवाना पड़ा मुझे सर्विस सेंटर जाके। एंड अब मैं बात कर लेता हूँ गाइज, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ फ्यूल कैप के नीचे गैप दिखेगा। अब इस गैप में होता क्या है, मॉनसून के टाइम यहाँ पे पानी भर जाता है जब भी बारिश आती है, और ये पानी हमारा फ्यूल टैंक में भी जा सकता है, तो हमें इसको लेकर भी अवेयर रहना होता है कि हम इसे टाइम टू टाइम क्लीन करें। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये वाली जो जगह है ना, ये जो गैप है यहाँ पर पानी भर जाता है। अच्छा, यहाँ तो सारी पता होगी आपको इस बाइक की। तो मैंने कुछ जो इसके माइनस पॉइंट है, जो इसके कॉन्स है, वो मैंने आपको बता दिए हैं, जिसके लिए आप पहले सोच सकते हो एक बार। और अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो सेगमेंट किलर बाइक्स और भी आ चुकी है मार्केट में। टॉप नॉच बाइक पे जाना चाहते हो इस प्राइस पॉइंट पे तो आप जा सकते हो एप्रिलिया RS 457 पर, तो वो बाइक तो बहुत ही ज़्यादा अलग है। बट GT जो है, GT की बात अलग है, ये स्टिल लीजेंड इसलिए है
क्योंकि ये कैफे रेसर कैटेगरी की बाइक है और वो सारी स्पोर्ट्स फेयरिंग है। अब इसका जो वेट है वो आप कैलकुलेट करोगे तो हायाबुसा से थोड़ा सा कम है। अगर आप ये चला लेते हो तो आप S1000RR एंड आप ZX10R एंड हायाबुसा इजीली चला सकते हो अकॉर्डिंग टू वेट। बट अगर आप पावर कंपेरिजन करोगे तो पावर तो ऑफकोर्स कम है, स्टिल अगर आप अपनी किसी 150cc या 200cc या 300cc से आप स्विच करना चाहते हो तो आप इजीली स्विच कर सकते हो GT650 पे। और गाइज रॉयल इनफील्ड की ये बाइक है तो बहुत ज़्यादा इसने ट्रस्ट बना रखा है अपना। पूरे इंडिया में अगर आप जाओगे तो इसके सर्विस सेंटर आपको देखने को मिल जाएंगे, इवन आउट ऑफ इंडिया भी आपको रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर मिल जाएंगे और शोरूम्स भी हैं, तो बस इसलिए हम ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे कॉन्स हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा पहले LED हेडलाइट्स नहीं आती थी, बट अभी 2024 की जो GT आ रही है उसमें LED हेडलाइट्स आ रही है एंड अलॉय व्हील्स आ रहे हैं। बट स्पोक व्हील ज़्यादा बेस्ट लगते हैं अकॉर्डिंग टू कैफे रेसर। अगर आपकी कैफे रेसर बाइक है तो उसमें स्पोक व्हील ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि तब भी मुझे ये पसंद है। चाहे मैं अपग्रेड करना चाहूँगा तो इसी में अपग्रेड करूँगा, बट स्पोक व्हील्स में ही कुछ ना कुछ हम ऐसी ट्रिक लगाएंगे जिससे हम इसको ट्यूबलेस कर पाएँ, या फिर ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स देखेंगे कहीं से अरेंज करें। एंड धीरे धीरे इसमें बहुत सारे मॉड्स हम करने वाले हैं। और GT650 इसलिए बेस्ट लगती है क्योंकि आप इसमें मॉडिफिकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो आप एक बार अपनी बाइक लो, देन उसको कस्टमाइज करके आप बहुत ज्यादा कूल बना सकते हो, जो हम भी करने वाले हैं हमारी बाइक के साथ। तो आप न्यू GT650 भी ले सकते हो और पुरानी भी ले सकते हो, क्योंकि अभी दोनों आपको देखने को मिल जाएंगी। अब न्यू एंड पुरानी में जो डिफरेंस है वो यही है, अभी अगर आप जाओगे तो वो रहेगा सिर्फ स्पोक व्हील्स का, ठीक है। बाकी स्विचेस क्वालिटी, LED हेडलाइट्स, ये सब तो आपको सेम मिलेंगी, बट स्पोक व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे एक मॉडल में, और एक जो दूसरा रहेगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे अलॉय व्हील्स। अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं, मैंने जितना इसको राइड किया है तो कई जगह मैंने प्रॉब्लम भी फेस की है, बट जब मैं इसको राइड करता हूं तो बहुत इन्जॉय करता हूं, मज़ा आता है इसको राइड करने में एंड अलग एक्सपीरियंस रहता है इस बाइक को राइड करने का। एग्जॉस्ट इंस्टॉल करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। इसका मेंटेनेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है, आप इजीली से मेंटेन कर सकते हो, बट इतना ज़्यादा नहीं है जैसे BMW या और ब्रांड्स है, बट इतना कम भी नहीं है, बिकॉज ये 650cc बाइक है। इसकी मेंटेनेंस जो है आपको थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी रेदर देन 350cc जो बाइक आती है रॉयल इनफील्ड की, उनके कंपैरिजन में। मैंने इसको अभी तक 12,000 किलोमीटर राइड किया है और बहुत ज़्यादा अटेंशन भी मिलता है आपको जब आप रोड पे निकलते हो इस बाइक को लेके। और आप रेटिंग करने को कहोगे तो मैं तो बैलेंस बताऊंगा। देखो बैलेंस से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स है, बुरे पॉइंट्स जो थोड़े कम है वो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, सेक्रीफाइस कर सकते हो। तो ऐसा ही कुछ आज का रिव्यू था हमारा इस वीडियो का, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, उसको अच्छे से फिल कर दो। वीडियो अच्छा लगा तो हार्ट स्पैम कर देना, एंड अदरवाइज अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से करूँगा। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज की वीडियो में, इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, सी यू सून विद अ न्यू व्लॉग। बाय बाय गाइस, साइनिंग आउट।